Hey guys, welcome to Spartan Soup. I hope कैसा अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है 22 मार्च है और मैं आपको बोला था कि पबजू मॉल का जो ऑल टैलेंट चैंपियनशिप है उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो कम्प्लीटली आज मैं आपको यह वीडियो में ऑल चैलेंज चैंपियनशिप का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन समझाने वाला, उसका रिवॉर्ड क्या क्या है, जो न्यू सिस्टम बना हुआ उसका रोड मैप आपको दिखाने वाला, ओवरऑल आप भी ईजिली इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें क्लिक करना होगा और ये जो ऑल टैलेंट चैंपियनशिप है ये सब रीजन में अवेलेबल है। जैसे आप मैचेस में क्लिक करेंगे तो इधर आप देख पा रहे हैं ये खुल जाएगा, उसके बाद आप देख पा रहे हैं ऑल टैलेंट चैंपियनशिप खुल चुका है और धीरे धीरे आपका ये भी खुल जाएगा बोनस चैलेंज भी। उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको अपना क्रू बना लेना है जैसे पहले आप बनाते थे। तो क्रू बनाना बहुत ही सिंपल, जैसे आप क्लैन बनाते हैं वैसे आपको क्रू बनाना, बट क्रू में 6 मेंबर होगा और कोई भी 4 मेंबर को लेकर आप खेल सकते हैं ये ऑल टैलेंट चैंपियनशिप। और बोल सकते हैं ऑल टैलेंट चैंपियनशिप जो क्रू चैलेंज था उसको मॉडिफाई किया गया, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आपको दिखाई देगा। चलो इसमें हम लोग क्लिक करते हैं। ये जो ऑल टैलेंट चैंपियनशिप आपको दिखाई दे रहा है ये 22 से स्टार्ट हुआ है और 9 मई तक चलने वाला है, तो ऑलमोस्ट 2 महीना का चलने वाला है। तो काफ़ी अच्छा ये टूर्नामेंट मुझे लगा क्योंकि ये आपको रेगुलर बेसिस पर टूर्नामेंट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि क्रू चैलेंज बहुत टाइम इंटरवल के बाद बाद आता है, बट ये काफ़ी अच्छा, इसमें आप बहुत जल्दी जल्दी पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, इधर आप देख पा रहे ऑल टैलेंट चैंपियनशिप लिखा हुआ, उसके बाद हम इसमें क्लिक करते हैं। तो आपको इसमें 3 स्टेजेस दिखाई देगा, सबसे पहले है वीकली मैचेस, उसके बाद है सेमीफाइनल, उसके बाद है फाइनल राउंड। ठीक है, वीकली मैचेस का जो टाइम पीरियड आप देख पाए 26 से स्टार्ट होगा क्योंकि आज से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, 26 से मैचेस स्टार्ट होगा, 26 से 28 तक चलने वाला है। उसका सेमीफाइनल आप देख पा रहे 5 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 8 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद 26 अप्रैल को स्टार्ट होगा फाइनल राउंड और 2 मई को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख पाए लिखा हुआ दैट ऑल टैलेंट चैंपियनशिप इज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेजेस, मैं आपको बता दिया वीकली, सेमीफाइनल एंड फाइनल राउंड। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। इधर आप देख पा रहे अबाउट टूर्नामेंट, प्लेयर कैन ओनली पार्टिसिपेट इन द ऑल टैलेंट चैंपियनशिप एज अ टीम। ठीक है, टीम का बेसिस में इसमें पार्टिसिपेशन होगा, इंडिविजुअल इसमें पार्टिसिपेट नहीं होगा। ठीक है, एंड कैन ओनली प्ले मैचेस इन इरेंगल TPP एट दिस टाइम। तो फिलहाल के लिए ये ऑल टैलेंट चैंपियनशिप जस्ट स्टार्ट हुआ, तो इसमें केवल एक मोड, उसके साथ साथ एक मैप को ही सिलेक्ट किया गया जो कि है इरेंगल। फ्यूचर में आपको और भी मैप दिखाई देगा, तो अभी फिलहाल के लिए TPP इरेंगल ही होगा और वो कोई एक्सक्लूसिव मोड वोड नहीं होगा, नॉर्मल जो इरेंगल होता है वही आपको खेलने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें क्लिक करते हैं। इधर आप देखिए पॉइंटिंग सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है कैसे पॉइंट होगा टूर्नामेंट में। टोटल स्कोर इज इक्वल टू रैंक पॉइंट प्लस एलिमिनेशन पॉइंट, ऑल्दो द मैच रैंकिंग इज इंपॉर्टेंट, प्लेयर नीड टू डिफीट मेनी एनिमीज टू बी ट्रूली विक्टोरीज। तो इसमें आपको पता ही होगा कैसे टूर्नामेंट में रैंकिंग होता है, आपका पोजीशन वाइज भी रैंक होता है, उसके साथ जितना किल करेंगे उतना ज़्यादा आपको पॉइंट मिलेगा। तो मान लो आप थर्ड पोजीशन में, तो आपको 10 पॉइंट मिलेगा, उसके साथ साथ जितना किल करेंगे तो एक एक पॉइंट आपका बढ़ेगा। तो किल भी मैटर करता है, उसके साथ साथ पॉइंट मतलब पोजीशन भी मैटर करता है। चलो इसको हम लोग काट देते हैं, उसके बाद हम लोग का ये कंप्लीट दिखाई दे रहा है, इंटरफेस आ गया है वीकली मैचेस का। तो फिलहाल के लिए वीकली मैचेस ओपन हो चुका है और इधर आप देख पाए 26 से लेकर 28 तक वीकली मैचेस होगा, मतलब 22 से लेकर 25 तक आप रजिस्टर कर सकते हैं। पहले अपना क्रू बना लीजिए, उसके बाद आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एंटी चीट सिस्टम भी आपको दिखाई दे रहा है, रूल्स वापस से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके साथ साथ न्यू रिडेम्पशन स्टोर भी आ गया है। न्यू रिडेम्पशन स्टोर में एक चीज़ ख़राब है कि आपका बाद में बताऊंगा क्या चीज़ है, उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, तो इधर आप देख पा रहे लोअर टीयर, तो आपका एटलीस्ट सिल्वर 5 होना ही होगा तभी जाकर आप इससे पार्टिसिपेट ले सकते हैं। ऑब्वियस बात है सबका सब सिल्वर 5 से ऊपर ही होंगे। उसके बाद आपको इसमें एक नया करेंसी दिखाई दे रहा है जिसका नाम है ऑल टैलेंट करेंसी, जो क्रू चैलेंज करेंसी था उसको हटा दिया गया है। तो चलो हम लोग इसमें क्लिक करते हैं, तो इसमें कुछ रूल्स वूल्स है, चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो इधर आप देखिए लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट, क्रू गेट पॉइंट पर पार्टिसिपेटेड इन वीकली मैचेस एवरी वीक, द सम ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस्ट 6 मैचेस प्ले दिस वीक इज वीकली स्कोर, एवरी वीक द टॉप 50 टीम्स विद द हाइएस्ट वीकली स्कोर एडवांस टू सेमीफाइनल। तो आपको बेस्ट 6 मैच का जो पॉइंट है उसको ही कैलकुलेट किया जाएगा और जो टॉप 50 टीम होगा केवल वही सेमीफाइनल जा सकता है, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर प्लेयर कैन पार्टिसिपेट इन वीकली मैचेस मोर देन वंस, तो एक प्लेयर अगर आप आउट हो जाते पहले ही राउंड में तो कोई टेंशन नहीं, वापस से पार्टिसिपेट ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। बट एक कंडीशन ये है कि अगर आप सेमीफाइनल पहुंच जाते, जैसे इधर आप देखो लिखा बट द टीम दैट आर ऑलरेडी एलिजिबल टू एडवांस विल नॉट गेट द एडवांसमेंट रिवॉर्ड अगेन, द एडवांसमेंट स्पॉट विल बी फिल्ड अप बाय
अदर ग्रुप बेसिस ऑन द रैंकिंग। तो एक बार अगर आप सेमीफाइनल चल जाएंगे तो आप लीग मैचेस वापस खेल के क्या करेंगे, वही चीज़ के बारे में बोला जा रहा है। अगर आप पहले राउंड में आउट हो तो वापस सब ले सकते, बट अगर आप एक बार सेमीफाइनल पहुंच जाते तो आप नहीं ले पाएंगे। इसका आप देख पर आफ्टर द वीकली मैचेस एंडेड रिवॉर्ड विल बी इशू बेसिस ऑन द पॉइंट रेफर टू द ऑल टैलेंट चैंपियनशिप। तो जैसे ये खत्म हो जाएगा राउंड तो आपको अपना पॉइंट मिल जाएगा ग्रुप वन, इसके साथ साथ कुछ टाइटल भी अरेंजमेंट किया है पबजी वन वो भी आपको मिल जाएगा। टीम दैट डोंट रैंक हायर इनफ टू गेट रिवॉर्ड विल गेट पार्टिसिपेशन रिवॉर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग 6 मैच ड्यूरिंग द वीक। तो जो टीम पार्टिसिपेट भी एटलीस्ट करते हैं और उतना अच्छा रैंक नहीं लाते, मतलब जल्दी मर जाते हैं, तो उन लोग को भी एटलीस्ट पॉइंट मिलेगा पार्टिसिपेशन रिवॉर्ड। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ एटलीस्ट अगर आप उतना अच्छा क्रू नहीं है तो एटलीस्ट पार्टिसिपेट करें, उसमें आपको एक्सपीरियंस मिलेगा इतना अच्छा अच्छा टीम के साथ खेलने का, और उसके साथ पार्टिसिपेशन रिवॉर्ड भी मिलेगा, आइटम रिडीम भी कर सकते हैं, ठीक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, इसको काट देते हैं। इधर आप देख पाए 3 दिन में सब किसी दिन को भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो डे वन अगर आप रजिस्टर करना चाहते कर सकते, 26 तारीख को मैचेस होगा। अगर डे टू में रजिस्टर करना चाहते 27 तारीख को मैचेस होगा, और अगर आप डे थ्री में रजिस्टर करना चाहते तो 28 तारीख को मैचेस, ठीक है। तो इसे हम लोग क्लिक करते हैं, तो इधर आप देख पा रहे वीकली मैच डे वन फेज वन, ठीक है। तो क्रू गेट पॉइंट बाय पार्टिसिपेटिंग इन वीकली मैचेस एवरी वीक आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द सम ऑफ पॉइंट फ्रॉम द बेस्ट 6 मैचेस प्ले दिस वीक इज द वीकली। तो अगर तो आपको बेस्ट 6 मैचेस जो रहेगा उसी का पॉइंट मिलेगा। तो अगर आप टॉप 1 से लेकर 50 तक आते हैं, ठीक है, तो आपको 200 पॉइंट मिलेगा, उसके साथ से ये टाइटल मिलेगा, ठीक है। वो टाइटल मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, वीडियो के एंड में भी बहुत सारे टाइटल आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद आप मान लो कि आप टॉप 50 में नहीं आया तो एटलीस्ट आपको पार्टिसिपेशन के लिए 100 कॉइन मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छा बात है। आपको एटलीस्ट पार्टिसिपेट करने का भी 100 पॉइंट मिल रहा है जिसको आप यूज़ करके रिडीम कर सकते। तो ये जो मेडल है सब इंडिविजुअल को मिलेगा, केवल लीडर को नहीं मिलेगा, पूरा क्रू में जो जो है सबको मिलेगा, ठीक है, 6 का 6 प्लेयर को। उसके साथ साथ इसको हम लोग कार्ड देते हैं, इसमें रजिस्टर में जैसे क्लिक करेंगे तो लीडर ही केवल इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपना जो क्या बोलते हैं रीजन उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है तो आप एशिया करके उसको लगा सकते हैं, ठीक है। चलो इसको हम लोग काट देते हैं। उसके साथ साथ आप तीनों में से कोई भी दिन को रजिस्टर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद बाकी का तो चीज़ें आप देख पा रहे हैं, जैसे ये तो अभी नहीं खुलेगा सेमीफाइनल, तो सेमीफाइनल वही बंदे लोग जा पाएंगे जो टॉप 50 में आते हैं वीकली मैचेस में, ठीक है। टॉप 50 टीमें केवल सेमीफाइनल में जाने वाले हैं। जैसे कि आप देखो लिखा हो प्लेयर वीकली मैचेस एंड रैंक अमंग द टॉप 50 टू अनलॉक, ये चीज़ तभी होगा अगर आप टॉप 50 टीम में आते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनल राउंड वही टीम जाएंगे, वो है प्लेयर सेमीफाइनल एंड रैंक अमंग द टॉप 2। अगर आप टॉप 2 आते हैं सेमीफाइनल में तभी जाके आप फाइनल राउंड में जा सकते हैं, ठीक है। आई गेस आपको समझ में आ गया। इसमें सेमीफाइनल में आप देख पा रहे 5 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक चलने वाला है, और जो टीयर रहेगा वो गोल्ड टीयर रहेगा, ठीक है। पार्टिसिपेशन रिवॉर्ड आप देख पा रहे 100 मिलेगा, तो अगर आप पार्टिसिपेट भी करते तो आपको 100 मिलेगा, और बाकी अगर जीतते तो शायद 300 से 400 मिल सकता है। इसमें क्वेश्चन में क्लिक करेंगे तो वही चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, सेमीफाइनल और प्लेयर इन रूम मोड, ठीक है। तो जो हम लोग का वीकली चैलेंज है वो नॉर्मल क्लासिक मोड में शायद से पबजी में लगा के देगा, बट इधर आप देखो सेमीफाइनल और प्लेड इन रूम मोड 3 मैचेस विल बी प्लेड एंड 2 टीम विल बी हाईएस्ट ओवरऑल स्कोर इन ईच रूम विल एडवांस टू फाइनल। तो 3 मैचेस खेला जाएगा, उसमें से 2 टीम ही केवल वो वाला ग्रुप से जा सकता है, ठीक है। मैच विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट 10 मिनट आफ्टर द रूम आर क्रिएटेड, प्लीज़ वॉच द टाइम क्लोजली। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो उसका 10 मिनट बाद ऑटोमेटिकली मैच स्टार्ट हो जाएगा, जैसे क्रू चैलेंज में होता था। अगर आप एंटर लेते तो अच्छा बात है, नहीं लेते तो आपका ही लॉस है, किसी के लिए पबजी मोबाइल रुकेगा नहीं, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। टाइम को ध्यान से देखिएगा, एट द एंड ऑफ ईच वीक्स मैचेस रिवॉर्ड विल बी इशू। जैसे मैचेस कंप्लीट होगा ईच मैच, उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। वो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं, फाइनल का भी आप देख सकते, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं इसका रैंकिंग सिस्टम। रैंकिंग सिस्टम आप देख लीजिए, इधर से जैसे जैसे आप परफॉर्मेंस करेंगे आपका टीम आपका नाम उसको दिखेगा, रैंक भी दिखेगा, और इसमें से अगर टॉप 50 आते तभी जाके आप लेवल 2 में जा पाएंगे, और इसमें से आपको टॉप 2 आना है तभी जाके आप फाइनल राउंड में जा सकते हैं। ओवरऑल आपको सब कुछ दिख जाएगा जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होगा। उसके बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका रोड मैप कैसा है, शेड्यूलिंग। तो आप देख पा रहे इसका कैसे पहले ग्रुप स्टेजेस का मैच होगा, उसके बाद सेमीफाइनल होगा, उसके बाद फाइनल होगा। डेट सब देख लीजिए, जैसे कि आपको बहुत पहले ही बताया था कि केवल 6 वीक में पूरा टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा, फिर वापस से नया स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, वेल ऑर्गेनाइज है, क्रू चैलेंज वेल ऑर्गेनाइज नहीं था इसलिए उसको बंद किया गया, वापस से इसको बनाया गया। एक चीज़ ख़राब इसमें ये हुआ कि टाइटल तो ऐड हुआ बट रिडेम्पशन स्टोर में आप देख पा रहे हैं
आइटम सब उसको चेंज किया गया, बट जो रीनेम कार्ड था उसको हटा दिया गया। जैसे कि आप देख पा रहे कोई भी रीनेम कार्ड अभी नहीं है, उसका जगह आप देख पा रहे रोम कार्ड तो पहले भी था, और ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। जैसे तो इधर आप देख पा रहे वो जो पॉइंट मिलेगा आपको ऑल टैलेंट चैंपियनशिप कॉइन, उसका यूज़ करके आप ये सब रिडीम कर सकते हैं। तो 80 में आपको इसमें रैंडमली कुछ मिल सकता है ये क्रेट, उसके साथ साथ 6500 में आप ये M4 की स्किन ले सकते हैं परमानेंट, उसके 2000 कॉइन्स आप ये हेडगियर ले सकते हैं, 5000 कॉइन से ये परमानेंट आउटफिट ले सकते हैं। ये आउटफिट काफ़ी ओपी लग रहा है, और उसके साथ साथ 5000 में ये वाला आउटफिट भी ले सकते हैं, 2000 में ये वाला QVZ का स्किन, और बाकी सब आप देख पा रहे अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। टाइम लिमिटेड भी बहुत सारा सामान है, बट एक चीज़ ख़राब किया है, रीनेम कार्ड को हटा दिया गया। तो यही रहा कंप्लीट ओवरऑल, मैं आपको बता दिया कैसे ऑल टैलेंट चैंपियनशिप चलेगा, कैसे आपको पार्टिसिपेट लेना है, ओवरऑल आपको डिटेल पता चल गया। अगर आपको कुछ भी चीज़ में डाउट होगा डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो के इतने लगते हैं, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।